जबलपुर से चित्रकूट शैक्षणिक टूर पर गई 22 वर्षीय पीजी छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले प्रोफेसर को खुद RDVV के कुलपति बचा रहे हैं। विभागीय जांच पर कार्रवाई का दावा करने वाले कुलपति अब कमेटी के द्वारा सौंपी गई पेन ड्राइव को खाली बता रहे हैं, जबकि कमेटी की जांच में प्रोफेसर की भूमिका पर सवाल खड़ा किए गए हैं। छात्रा अपनी शिकायत वापस ले ले, इसके लिए उसके खिलाफ SC ST एक्ट की एक छात्रा से झूठी शिकायत लिखवा ली गई है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से PG की पढ़ाई कर रही छात्रा की शिकायत की जांच पूरी एक महीने हो गए, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कमेटी के द्वारा सौंपी गई पेन ड्राइव खाली है, बावजूद कमेटी से इसकी मांग नहीं की गई। सूत्रों की माने तो पेन ड्राइव को करप्ट कर दिया गया है और ऐसा करने वालों को ये पता नहीं था कि इसकी एक और पेन ड्राइव सुरक्षित है। अब कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा विधिक राय लेने की बात कह रहे हैं। कुलपति जैसे प्रतिष्ठित पद पर बैठे व्यक्ति से न्याय की उम्मीद कर रही पीजी छात्रा को नाउम्मीदी हाथ लगी है। आपको बता दें कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग की पीजी छात्रा ने लिखित शिकायत में प्रोफेसर रजन द्विवेदी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्रा ने शिकायत में बताया कि 28 फरवरी को वो 15 अन्य सहपाठियों के साथ शैक्षणिक टूर पर रामघाट चित्रकूट गई थी, जहां रहने के दौरान 3 मार्च को प्रोफेसर रजन द्विवेदी ने उसे अकेले में मिलने बुलाया और छेड़छाड़ करने लगे। वही छात्रा के मुताबिक इसके पहले भी वो इस तरह की हरकत कर चुके थे। 8 मार्च को लौटने पर सिविल लाइन्स थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पीड़ित छात्रा के मुताबिक रजन द्विवेदी सहित विश्वविद्यालय प्रशासन के दबाव में उसकी सहेली रही अर्पिता परस्ते ही अब उनके हाथों का मोहरा बनकर उनके खिलाफ झूठी शिकायतें करने लगी है। उसने कॉल कर प्रोफेसर रजन द्विवेदी के खिलाफ शिकायत को वापस लेने को कहा है, जहां मना करने पर उसने 12 अप्रैल को शाम 4 बजे डुमना रोड स्थित मैगी पॉइंट पर मारपीट की खमरिया थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी, जबकि 12 अप्रैल को वो डुमना रोड गई ही नहीं। वहीं 12 को दोपहर 3:15 बजे वो वाइवा देकर निकली। वहां से सिविल लाइन्स थाने में चाय शाय बार में गई, जहां से सहेली के साथ उसके घर रामपुर चली गई और वहां से अपने घर चली गई। वहीं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने इस मामले की जांच महिला उत्पीड़न सेल को सौंपी थी। टीम ने सभी छात्राओं के बयान लिए। जांच कमेटी ने तथ्यों और सबूतों को देखकर जांच निष्कर्ष निकाला। रिपोर्ट और सबूत के तौर पर पेन ड्राइव को प्रशासन को सौंप दिया, पर कुलपति कार्यालय में हुई बैठक में दावा किया गया कि पेन ड्राइव ही खाली है। जांच रिपोर्ट मिले महीने भर से अधिक हो गया है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।